राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए 4 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपको घर में वेस्ट पड़े हुए सामान से ही बनाने को मिलेंगे और उसमें आप अपने पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है इन्हें बनाना। फुल वीडियो देखिएगा और बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने अभी यहाँ अपनी आवाज़ म्यूट की है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। तो ज़्यादा देरी ना करती है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो मेरी वीडियो है वो सबसे पहले आप देख सकें। और जो लोग चैनल पर हैं, वीडियोस देखते हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दिया करें। और जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ देखिए ये पैंट लिया है और सूट का कपड़ा लिया है। सूट में से इस तरीके से मैंने फैब्रिक कट कर लिया, उसका सीधा साइड नीचे की साइड रखा है। यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी का पीस ले लिया, उसके ऊपर पैंट में से इस तरीके से पीस मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद पैंट का सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है। और अब इसमें से मुझे एक सर्कल कट करना है। तो यहाँ सर्कल कट करने के लिए आप कोई भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको ये बनाना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से थाली ले ली है और इस पर मैं इस तरीके से चौक की हेल्प से ड्रॉ कर लूँगी जो सर्कल मुझे ड्रॉ करना है। तो इतना ही बड़ा मुझे ये चाहिए था तो मैंने इतनी बड़ी थाली ले ली है। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ी ले सकते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटी ले सकते हैं। अब इसे मैंने पिनअप कर लिया है और पिनअप करने से ये होगा कि हम जो स्टिचिंग है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पिनअप करने के बाद जो ये सर्कल है इसके अंदर की साइड हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए जो सर्कल है उसके अंदर की साइड हमें सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये प्लास्टिक बोरी का पीस है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो कट करने के लिए जो हमने सर्कल ये इस तरीके से चौक से ड्रॉ किया है केवल उसी के ऊपर हमें यहाँ कटिंग करनी है, जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो इस तरीके से ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है। अब इसका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो यहाँ 10.7 इंच है। तो इस तरीके से आप यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ इसका घेरा हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से सर्कल तैयार करने के बाद में अब इसके लिए हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक जगह पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद हमें इसे इस तरीके से नापना है, जहाँ से हमने इसे शुरुआत की है नापने की वहीं तक हमें इसे नापना है। और नापना हमें बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम आराम से, बिल्कुल किनोर से नापना है। और नापने के बाद ये 33.5 इंच बैठ रहा है, तो इसमें एक इंच हमें प्लस करना है। तो ये 34.5 इंच यहाँ बैठ जाएगा जो हमें इसका साइड के लिए घेरा बनाना है। तो 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 1 इंच काफ़ी होता है 1/2 इंच इधर के लिए और 1/2 इंच उधर के लिए। तो यहाँ जो पैंट के दोनों पीस थे उसमें से जो हमने सर्कल कट किया था उस वाले पीस को नहीं लेना है, और जो दूसरा वाला पीस है उस पीस को हमें यहाँ लेना है। और इस तरीके से अच्छे से हमें बिछाना है। बिछाने के बाद यहाँ मैंने मार्क लगाया है, देखिए 34.5 इंच पर इस तरीके से, और इस तरीके से इसकी चौड़ाई मैंने 14.5 इंच ली है। तो चौड़ाई आप अपने पैंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मेरी 14.5 इंच आ रही थी, आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मैंने मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद में जो यहाँ निशान लगाए हैं उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया और ये मैंने 34.5 बाय 14.5 इंच का ये पैंट में से पीस कट करके तैयार कर लिया है। तो अब जो ये पैंट का पीस है इसे मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी, और जो मैंने सूट का फैब्रिक लिया था उसे मेन फैब्रिक के लिए। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है और जो मेन फैब्रिक के लिए मैंने ये कुर्ती का पीस लिया है उसे इस तरीके से रखूंगी, और इसका सीधा वाला साइड मैंने ऊपर की साइड रखा है कुर्ती का। और जो पैंट में से पीस हमने कट किया है उसका सीधा वाला साइड इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे, और यहाँ हमें ऊपर यहाँ देखिए सिलाई लगानी है यहाँ ऊपर। अब यहाँ मैंने जो मेन फैब्रिक लिया है और प्लास्टिक बोरी ली है वो थोड़े बड़े लिए हैं, तो उन्हें हम बाद में कट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ देखिए सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी यहाँ एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो मैंने जो लाइनिंग थी उसके ऊपर मार्किंग कर ली थी और इसलिए मैंने वो नीचे वाले पीस थोड़े एक्स्ट्रा ले लिए थे। अब यहाँ ऊपर की साइड मैंने कटिंग कर ली है जो भी एक्स्ट्रा था। अब जो ये लाइनिंग का पीस है उसे इस तरीके से पलटेंगे और इसे अंदर की साइड इस तरीके से दबाते हुए हम यहाँ इसमें पाइपिंग बना लेंगे। देखिए जो लाइनिंग वाला पीस है पैंट का उसे हम यहाँ लाइनिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पाइपिंग के लिए बिल्कुल इसमें हम किनोर पर अंदर की साइड
सिलाई लगाएंगे और इस फैब्रिक को अंदर की साइड सेट करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं तो हमें अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ काम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो लग चुकी है और पैंट का कपड़ा कितना ज़्यादा अच्छा होता है ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पाइपिंग हमारी लग चुकी है। पाइपिंग लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और जो इसकी जो पीछे वाली साइड है, जो लाइनिंग वाली साइड है, उसे अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ तीनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए तीनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी यहाँ मेन फैब्रिक और जो प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे हम कट करके निकाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा था। तो ये देखिए यहाँ मैंने कट करके निकाल दिया है जो भी एक्स्ट्रा पीस था। और अब यहाँ मैंने दो पीस मेन फैब्रिक के लिए हैं इस तरीके से और दो यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी के लिए हैं और इन्हें इस तरीके से मैंने रख दिया है। और इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ 10x3.5 इंच के मैंने ये पीस लिए हैं। इस तरीके से दोनों साइडों की से फोल्ड करना है, फिर बीच में से करना है, इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये दो हमारे हैंडल बनकर तैयार हैं। अब यहाँ ये वाला जो पीस है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद में हमें इसे एक बार इस तरीके से और फोल्ड करना है। तो यहाँ हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ इस तरीके से क्लिच भी बन जाएगी वैसे, लेकिन हम यहाँ मार्क लगा लेते हैं। तो देखिए वहाँ भी हमने मार्क लगाया और अंदर जो क्लिच बनी है वहाँ भी हमने मार्क लगा लिया है। तो इस तरीके से दो निशान हमें मिल चुके हैं। ऊपर से 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस वाले निशान पर भी हम 6 इंच पर नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। अब यहाँ जो ये हमने हैंडल तैयार किए हैं उनमें यहाँ मिडिल पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से इसे रखेंगे और हाँ साइड में से इसे थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अंदर की साइड इसे इस तरीके से दबाना है हैंडल को और यहाँ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से इसमें भी हम मिडिल में इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से रखेंगे निशान के ऊपर और यहाँ अंदर से फोल्ड करते हुए दोनों साइडों में इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और हैंडल हमारे देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ लग चुके हैं। अब हैंडल लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से पलटेंगे फैब्रिक को और यहाँ हम लगा देंगे सिलाई। अब यहाँ देखिए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ हम एक साइड में इसको इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ टॉप स्टिच भी मैंने लगा दी है। अब जो ये पाइपिंग वाली साइड है इसे नीचे की साइड करेंगे और जो ये अनफिनिश्ड वाली साइड है वहाँ ये सर्कल लेंगे हम। तो ये इस तरीके से यहाँ हम पिनअप करेंगे। तो जो लाइनिंग वाला पीस है वो लाइनिंग वाले पीस की तरफ ही हमें रखना है इस तरीके से और यहाँ इसे हम अच्छे से पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने से इसमें हम जो सिलाई लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो देखिए अगर आप अच्छे से मेज़रमेंट लेते हैं तो आपका जो ये नाप है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो जब भी आप सर्कल को नापें तो बहुत ही धीरे धीरे से अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल उसके किनोर पर ही हमें उसे नापना है। तो देखिए मेरा जो सर्कल है वो एकदम परफेक्ट बैठा है और यहाँ इसे मैंने पिनअप कर लिया है। अब इस पर लगानी है हमें सिलाई। तो सिलाई आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से पलटते हुए ही सिलाई लगाऊंगी और यहाँ हम सिलाई लगाते जाएंगे और जो पिंस हमने लगाई हैं उन्हें हटाते जाएंगे। अगर आप पिंस को हटाएंगे नहीं तो जो आपकी सुई है मशीन की वो टूट जाएगी। और कई बार मुझे कमेंट आया आप कितने नंबर की निडल का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ 18 नंबर की जो निडल है उसका यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से पूरे पीस में हमने जो सिलाई है वो लगा ली है और पिंस को निकालते हुए लगाई है। तो अब यहाँ हमने सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से सीधा करना है। तो ये पीस हमारा एकदम सीधा हो चुका है और यहाँ ये एकदम तैयार है, लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा सा काम और करना है। तो यहाँ ये पीस बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है और रियलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा, आप अगर सामने से देखेंगे ना इसे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इतना ये वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंदर की साइड से ये थोड़ा अनफिनिश्ड होता है, इसमें रफ एजेस वगैरह निकलते हैं। तो यहाँ नीचे किनोर पर इस तरीके से दबाते हुए यहाँ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो वैसे मुझे ये बिना फिनिशिंग वाली सिलाई लगाए ही अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के बाद में अच्छा लग रहा है या फिर इससे पहले जो हमने सिलाई नहीं लगाई थी जो फिनिशिंग वाली नीचे की साइड में, तब अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से यहाँ मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है। आप अगर फिनिशिंग वाली सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो अंदर की साइड में पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये हमारा हैंडल
के समेत जो बैग है वो एकदम बन के तैयार है स्टोरेज बैग। तो इसे आप अपने लॉन्ड्री बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसे किसी भी कोने में आप रख दीजिए और इसमें आप अपने जो भी धोने वाले कपड़े हैं, जैसे हमें आज नहीं वॉश करने हैं कल वॉश करने हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी कोने में रख दीजिए तो ये अच्छे से रखे रहेंगे और गंदे भी नहीं लगते हैं। तो इसमें बहुत सारा स्पेस होता है, अभी मैंने केवल 2-4 कपड़े डाल के ही आपको दिखाए हैं और इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो कहीं भी कोने में रख के ये बहुत ही सुंदर ही लगने वाला है। आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं और जो जैसे कि बच्चों की टॉयज़ वगैरह होते हैं उन्हें रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ अपने सिलाई के सामान को रखने के लिए। तो मैं आपको बस आइडिया दे रही थी कि आप किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप जो गंदे कपड़े होते हैं उन्हें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने जो पैंट का पीस बचा हुआ था वो ले लिया है और साइड में से जो यहाँ ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है इस पीस को मैंने कट करके निकाल दिया था। कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक बोरी का पीस रख लिया है। अब प्लास्टिक बोरी का पीस रखने के बाद मैं इसके ऊपर मैं जो ये कुर्ती का फैब्रिक बचा हुआ था उसे रख लूँगी और इसे हम कर लेंगे कट इस तरीके से। तो इसमें से मैंने ये देखिए 22 इंच बाय 15 इंच का ये पीस कट कर लिया है। तो देखिए जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है और बीच में प्लास्टिक बोरी है और लाइनिंग का जो पीस है उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है और चारों तरफ मैंने पिनअप कर लिया है। इसे पिनअप करने के बाद इसमें हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में सिलाई लगाएंगे और जो पिंस हैं उन्हें हटाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए ये पीस मैंने क्वेल्ट कर लिया है और इसमें बीच बीच में सिलाई लगा ली है, चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसे लंबाई वाली साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड से 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, 3.5 इंच पर, और फिर इधर से भी 3.5 इंच पर यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ हमें इस तरीके से बॉक्स बनाना है। अब इस वाली साइड से हमें यहाँ 10.5 इंच पर यानी कि 10.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे की साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाना है यानी कि 3.5 इंच पर, और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे करना है हमें कट। ये देखिए इस तरीके से ये हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उन्हें हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरीके से ये पीस हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ देखिए साइड से 2 पीस लंबी लंबी जो हमारे पास आए हैं तो इन्हें फेंकने की बजाय इनका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट किया है, मेन फैब्रिक, उसे यहाँ इस तरीके से रखेंगे किसी भी साइड में और यहाँ सिलाई लगाएंगे और फिर पीछे वाली साइड में पलटते हुए इसमें हम यहाँ टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों पीसों को इसी तरीके से हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे एक साइड से। इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ इसे फिनिश कर लिया है। अब जो दूसरा वाला पीस था उसे भी हमने फिनिश कर लिया है। अब इन्हें फिनिश करने के बाद में इस पीस को करेंगे हम उल्टा और उल्टा करने के बाद जो ये पीस हमने तैयार किए हैं दोनों उन पर हमें यहाँ इस तरीके से मार्क लगाना है यानी कि इसे हमें 3 पीस में डिवाइड करना है। तो यहाँ हमें कट नहीं करना है, केवल हमें यहाँ मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब दूसरे वाले पीस पर इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ इस थपथपाते हुए दूसरे पीस पर भी मार्क लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसों में यहाँ 3 हमने पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ ये जो पीस है ये जो हमने कट की थी 10 वाली साइड यहाँ भी हमें 3 पार्ट में से डिवाइड करना है। तो यहाँ लगभग 2.5 इंच पर इस तरीके से मैं मार्क लगा लूँगी और यहाँ मैं निशान लगा लूँगी। अब यहाँ इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ जो हमने कट लगाया है तो यहाँ स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने का बाद यहाँ भी हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ ये पीस लेंगे और इस पीस को हमें यहाँ इस तरीके से अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए यहाँ जो एंड वाला साइड है उसे एंड वाले साइड से मिलाते हुए जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है चौक से उन्हें मिलाते हुए यहाँ बीच में हम चुन्नटे डालते हुए यहाँ स्टिच लगाएंगे। तो चलिए आपको मैं स्टिचिंग लगा के दिखाती हूँ। अब देखिए जो ये हमने पीस लिया है इसे यहाँ से ऊपर की साइड में हमें रखना है, थोड़ा सा जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे थोड़ा सा ऊपर रखा है हमने, और यहाँ जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है चौक से उन्हें दोनों को मिलाना है और इस तरीके से चुन्नट डालनी है और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला यहाँ लाइन है उन दोनों को मिलाना है और यहाँ फिर से हमें चुन्नट डालनी है, जिससे कि जो ये पीस थोड़ा सा बड़ा था तो ये पॉकेट थोड़ी
बड़ी बन जाए और ये इसमें फिक्स आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ हमने चुन्नट डालते हुए इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ देखिए कॉर्नर से कॉर्नर बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। इस तरीके से यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे ऊपर की साइड इस तरीके से पलटेंगे और इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे और इसमें जो पार्टीशंस हैं वो भी बनाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम नीचे से सिलाई लगाएंगे इसमें और फिर ऊपर से हम नीचे की साइड फिर से सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ टॉप स्टिच लगाएंगे और यहाँ जो हमने मार्क लगाया था चौक से वहाँ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर से नीचे की साइड आएंगे, फिर से यहाँ टॉप स्टिच लगाएंगे और यहाँ ऊपर की साइड फिर से हम सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे की साइड आएंगे और फिर से यहाँ नीचे टॉप स्टिच लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर को इस तरीके से हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए पॉकेट बहुत अच्छे से यहाँ लग चुका है। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हमने ये पॉकेट लगा लिए हैं। तो देखिए दोनों साइड में कितने अच्छे से इतने सारे पॉकेट बन चुके हैं और ये वेस्ट पड़ा ही रहता फैब्रिक। तो अब इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ जो ये कॉर्नर है उन्हें इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों साइडों में देखिए सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए चैन। तो सेम इसी के नाप से हम यहाँ नापते हुए इतनी बड़ी चैन कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने नाप लिया है और थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली है दोनों साइड से चैन मैंने। अब इसका नाप जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ 25 इंच ली है तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही ली है। अब जो ये सीधा वाला साइड है वो यहाँ इस तरीके से सीधी वाली साइड में रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमें इसे अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद में इसमें हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से नीचे की साइड करेंगे और इसमें यहाँ टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए पूरे पीस में मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद में यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे और यहाँ इस तरीके से इस चैन का हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ चौक से निशान लगा लेंगे। अब जो ये बिना चैन वाला साइड है वहाँ भी इस तरीके से यहाँ हम सेंटर का निशान लगाएंगे। अब जो ये सेंटर का निशान है और जो चैन पर हमने सेंटर का निशान लगाया है उन दोनों को इस तरीके से यहाँ मिलाएंगे और इसे यहाँ कर देंगे पिनअप। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ इसे इस तरीके से हम पकड़ेंगे चैन को और इस पीस को और इसमें लगा देंगे हम यहाँ सिलाई और फिर यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक हम पूरे में लगा देंगे इसमें सिलाई और फिर यहाँ से भी हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें लगा देंगे हम यहाँ सिलाई। ये देखिए इस पूरे पीस में मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ इस चैन को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसमें हमें अब टॉप स्टिच लगानी है ऊपर वाली साइड में। तो इसे अंदर की साइड इस तरीके से करते हुए इसमें पूरे में टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए पूरे में मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और इस पीस को करेंगे अब सीधा और सीधा करने के बाद में यहाँ हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ आप दो रनर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें केवल एक रनर एक साइड से डाल रही हूँ। आप दोनों साइड से इसमें दो रनर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें जो रनर है वो डाल दिया है, अब दूसरी वाली साइड से निकाल लूँगी। अब फिर से दोबारा से यहीं से हम इसमें रनर को इंसर्ट करेंगे जिससे कि जो चैन है वो लॉक हो जाती है। अब ये हमने जो रनर है वो डाल दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे ओपन करेंगे और इस पीस को कर लेंगे हम उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ ये खुला हुआ साइड है उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ लगा लेंगे सिलाई। तो दोनों साइड में ऐसे ही इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों साइडों में हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने डबल डबल सिलाई लगा ली है। आप पाइपिंग भी यहाँ लगाना चाहते हैं, पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो पाइपिंग से फिनिश कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा चैन थी वो मैंने कट करके निकाल दी। इस पीस को करते हैं अब हम सीधा। तो सीधा करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। लेकिन पहले मैं इसे आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये तैयार हुआ है। अब इसे ओपन करते हैं और इसमें हमारे देखिए बहुत सारे पॉकेट भी तैयार हो चुके हैं साइडों में। तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, वैसे मैं आपको इसमें रख के दिखाऊंगी जो भी सामान है। तो देखिए अब यहाँ मैंने 10.5 बाय 4 इंच का यहाँ पीस लिया है मेन फैब्रिक और प्लास्टिक बोरी का, डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइडों से और बीच में से फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा ली और हैंडल बना लिया है। अब हैंडल को हम यहाँ
इस तरीके से स्टिच करेंगे ऊपर। तो यहाँ दोनों साइडों से इसे मैंने थोड़ा अंदर की तरफ रखा है और दोनों तरफ हम देख लेंगे बराबर ही होना चाहिए और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडों मैंने हैंडल अटैच कर लिया है, तो बहुत अच्छे से हैंडल बना हुआ है। अब इसमें मैं आपको देखिए जो सामान है वो रख के दिखाती हूँ। तो इसमें आप अपना मेकअप का बहुत सारा सामान है वो रख सकते हैं। तो साइड में मैंने नेल पेंट रख दी है, आप लिपस्टिक भी रख सकते हैं, और यहाँ देखिए मैंने ईयरिंग्स रख दिए हैं जो साइड में पॉकेट्स हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जितना चाहे आप इसमें मेकअप का सामान रख सकते हैं, मैंने बस थोड़ा बहुत ही रखा है। अभी इसमें बहुत सारा स्पेस है तो आप इसमें बहुत सारा सामान एक साथ रख सकते हैं। और आप इसमें अगर मेकअप का सामान नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसमें अपने हैंकीज़ वगैरह रख सकते हैं, सॉक्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप इसमें अपना स्टिचिंग का सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाउच हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो एक जो मेरे पास ये स्ट्रिप पड़ी हुई थी फैब्रिक की, इसके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह की स्ट्रिप घर में हमारे पास पड़ी ही रहती हैं, तो आज हम इसका बहुत ही अच्छा रीयूज़ करने वाले हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ देखिए 26 इंच ली है, और इसकी जो यहाँ मैंने विड्थ है वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी, तो वो मैंने 3 इंच ली है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसकी जो लंबाई है वो 26 ही इंच होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो तो भी चल जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक ले लिया है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और जो फैब्रिक है उसकी दोनों सीधी वाली साइड अंदर की साइड है। और अब यहाँ हम लगाएंगे सिलाई। अब ये देखिए यहाँ हमने लगा ली इस तरीके से सिलाई, तो ये हमारा पूरा एक पीस बनके तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमें जो ये ऊपर वाला इस तरीके से फैब्रिक है उसे अंदर की साइड इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और इस तरीके से नीचे वाले फैब्रिक को उठाते हुए यहाँ दूसरी साइड में दूसरी छोर है जो फैब्रिक की, वहाँ इस तरीके से रखना है, यानी कि दोनों जो छोर हैं वो मिलाने हैं और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। और जो अंदर हमने फैब्रिक फोल्ड किया है उसे इस तरीके से निकालते जाएंगे बाहर की साइड, और जो इसके छोर हैं दोनों वहाँ हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे, और जो हम फैब्रिक खींच रहे हैं उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। बस इसको अंदर की साइड से इस तरीके से हमें बस खींचते जाना है, और यहाँ जो इसके यहाँ एंड है वहाँ बस सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई लगाते हम वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू किया है। और यहाँ देखिए जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ हम आ चुके हैं। अब यहाँ हमें पूरे पीस में सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ हमें थोड़ा सा हिस्सा इसका खुला छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है जहाँ से हम इस पीस को करेंगे सीधा। तो यहाँ से जो फैब्रिक है उसे हम बाहर की साइड निकाल लेंगे, और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा देखिए सीधा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने यहाँ तैयार कर लिया है, और यहाँ से ये खुला हुआ है जहाँ से हम अपनी जो इलास्टिक है उसे इंसर्ट करेंगे। तो जो यहाँ ये खुला हुआ हिस्सा है इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, और यहाँ नीचे की साइड में हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हम देख लेंगे जो हमारी इलास्टिक है उसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए इतनी चौड़ाई है, तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए जो इलास्टिक हमने नापी थी, जो इसकी चौड़ाई थी, वहाँ हमने देखिए सिलाई लगा ली, और जो पीस यहाँ देखिए खुला था वहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है इलास्टिक डालने के लिए। अब जो यह खुला हुआ हिस्सा है यहाँ से हम जो इलास्टिक है उसे डालेंगे। अब यहाँ जो इलास्टिक ली है वो मैंने ली है 4.5 इंच की। तो यहाँ पिन इसमें हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से हम इस इलास्टिक को अंदर डालेंगे, और इलास्टिक हमें उसी साइड में डालनी है जहाँ आपने नाप लिया है।
तो इस तरीके से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। अब इलास्टिक को अंदर डालते समय ये इलास्टिक बहुत छोटी है तो दूसरी वाली साइड से ये बाहर की साइड निकल जाएगी, यानी कि अंदर की साइड ही चली जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ जो सिलाई मशीन का फुट है उसे हटाएंगे और यहाँ जो सुई है उसे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि जो हमारी इलास्टिक है वो दूसरी साइड से अंदर की साइड नहीं जाएगी। और इस तरीके से जो पूरी इलास्टिक है उसे हम इसमें देखिए डाल देंगे और दूसरी वाली साइड से हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। अब इस इलास्टिक को हम निकालेंगे और इसके दोनों जो छोर हैं उन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और इसमें हम लगाएंगे सिलाई। तो जो सिलाई है वो आप मशीन से भी लगा सकते हैं। अगर आप मशीन से नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से हम पक्का करके टक कर देंगे। और ये देखिए यहाँ हमने इसे अच्छे से पक्का कर लिया है और जो इलास्टिक है उसे पूरे रबड़ में हम इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा रबड़ बैंड बनकर हमारे पास तैयार हो चुका है। मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था फैब्रिक तो उसका भी रीयूज़ हो गया और हमें केवल 5 रुपये का इलास्टिक लगाना है, उसमें बहुत सारे रबड़ बैंड बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं। एक ये मैंने और बनाया है, ये इससे बड़ा है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे रबड़ बैंड घर पर बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। अब जो फोर्थ आइडिया है उस यहाँ मैंने पुराना स्वेटर लिया है। अगर आपके पास कोई भी गर्म फैब्रिक है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जो स्लीव है वो मैंने इस तरीके से कट करके निकाल दिया और जो डैमेज पार्ट था स्लीव का वो भी निकाल दिया है और इसे इस तरीके से मैंने उधेड़ लिया है। उधेड़ने के बाद में इसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से अपना जो पैर है वो, और साइडों में हमें इसमें से लगभग 1-1 इंच देखिए साइडों में फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसे देख रही थी तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने कट कर दिया है और यहाँ 2 पीस हमें एक साथ मिल जाएंगे। तो लगभग देखिए 1-1 इंच चारों तरफ से ये ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, हमें ज़्यादा ही लेना है। तो अब ये अभी जॉइंट है इसे मैं अलग कर दूंगी तो ये मेरे 2 पीस एक साथ निकल के आ जाएंगे। अब मेरे पास कुछ वेस्ट पड़ा हुआ था ये फैब्रिक कॉटन का, तो इसका मैं यूज़ करूँगी और इसका रीयूज़ मैं पहले और भी कामों में ले चुकी हूँ, क्योंकि ये एक सूट था तो इसमें से मैंने और कुछ भी बनाया था तो ये बच गया था। तो इसमें से मैंने 2 पीस कॉटन के ले लिए हैं और 2 हमारे ऊनी हो चुके हैं। तो अब 1 कॉटन का पीस लेना है हमें और 1 लेना है इसमें से ऊनी पीस, और इसे इसके ऊपर रखना है। और जो उल्टी वाली साइड है दोनों पीसों की वो अंदर की साइड है और सीधी वाली साइड है वो बाहर की साइड है, और इसमें बीच में हम सिलाइयाँ लगा लेंगे यानी कि इसे क्विल्ट कर लेंगे। तो दोनों पीस इसी तरीके से हमें तैयार करने हैं। तो यहाँ दोनों में मैंने देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है बीच में, तो ये दोनों एक साथ हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब इन्हें ज्वाइंट करने के बाद में 1 पीस के ऊपर हमें रखना है इस तरीके से पैर, और जो अपना पैर है उसका हमें यहाँ शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ चॉक की हेल्प से मैंने यहाँ ये शेप अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद में इस पीस को उठाकर हम दूसरे वाले पीस के ऊपर रखेंगे। तो अब इस पीस को हमने देखिए इस तरीके से उल्टा कर लिया और इस तरीके से हमें दोनों जो कॉटन वाली साइड है एक साइड में रखनी है और ऊनी वाली साइड हमारी बाहर की साइड है, पिनअप कर लिया मैंने। और साइडों से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक मैं एक्स्ट्रा लेते हुए और मैं यहाँ इसे कट कर लूँगी। तो सेम उसी शेप में मैंने कट कर लिया है और दोनों पीस हमारे एक साथ निकल के आ चुके हैं। ये देखिए दोनों पीस हमारे आ चुके हैं दोनों पैरों के लिए। अब यहाँ ये जो 1 पीस है वो लिया और यहाँ हम ऊपर की साइड में मिडिल में इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ हम इंची टेप की हेल्प से अच्छे से यहाँ नापेंगे, जिससे कि हमारे पास एकदम फिक्स नाप आए। आपको याद रखना है एकदम अच्छे से हमें यहाँ नापना है और नापने के बाद में यहाँ जितना भी आपका नाप आता है उसमें हमें 2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ मेरा 24 इंच है तो उसमें से मैं 2 इंच माइनस कर दूंगी, तो यहाँ मैं 22 इंच लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 पीस लिए हैं जो हमें पट्टी तैयार करनी है उसके लिए। तो यहाँ 22x4 इंच की हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी हैं क्विल्टेड। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ जो ऊनी कपड़ा है उसमें से मैं पट्टी तैयार करूँगी और फिर जो हमारा कॉटन का पीस है उसके ऊपर हम इसे रख लेंगे और हम क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 पीस इसमें से कट कर लिए हैं। अब 2 पीस मैं इसमें से कट करूँगी जो हमारा ये कॉटन वाला फैब्रिक है। तो उसे कट करने के लिए हमें बहुत सिंपल, बस इस तरीके से इसे डबल किया, डबल करने के बाद रफली हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस पर बस सिलाइयाँ लगा लेंगे।
ये देखिए रफली हमने ऐसे कट कर लिया, और कट करने के बाद में जो कॉटन का पीस है उसके ऊपर हम जो ये ऊनी हमने पीस कट किए हैं उन्हें बस सिंपल इसके ऊपर रखना है। और याद रखना है जो उल्टी वाली साइड है दोनों फैब्रिक की वो अंदर की साइड होनी चाहिए और सीधी वाली साइड है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए इस तरीके से। और इस पर बस हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है, तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों पट्टी मैंने तैयार कर ली हैं, यानी कि क्विल्ट कर ली हैं, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है कॉटन वाला उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी हैं दोनों पट्टियाँ। अभी ना तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने 2.25 इंच की ये इस तरीके से और ये पट्टी ली है, और यहाँ हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए डबल फोल्ड करना है हमें, और इसे पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो पहले इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है और फिर पीछे वाली साइड में पलटते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए डबल फोल्ड किया और यहाँ इस तरीके से हमने इसे रखा, और जितनी मोटी आपको ये यहाँ पट्टी तैयार करनी है यानी कि जो पाइपिंग तैयार करनी है तो उसके हिसाब से आप फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 2.25 इंच लिया है, आप 3 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच ले सकते हैं। अब बस इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में दूसरी वाली साइड में फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हम इसे पलटेंगे, और पलटने के बाद में हम जो इसकी किनारे वाली साइड है वहाँ हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से पाइपिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ईजिली लग जाती है। तो ये देखिए मैं आपको इसकी फिनिशिंग है वो भी दिखाती हूँ दोनों साइडों से। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है ये इस तरीके से तैयार होती है। तो इसी तरीके से पूरे पीस पर हम लगा लेंगे पाइपिंग। तो ये पूरी पाइपिंग हमारी लग चुकी है, और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उस पर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो दोनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं। अभी ना तैयार करने के बाद में हमें एक पट्टी को लेना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और जो खुली वाली साइड है वहाँ इस तरीके से राउंड शेप देना है थोड़ा सा, और ये फिर दूसरी वाली साइड में हम इस तरीके से रखेंगे। जो शेप इस तरीके से इस साइड में है सेम उसी तरीके से दूसरी वाली साइड में हमने ये इस शेप को ड्रॉ कर लिया। दोनों साइडों में इस तरीके से हमने शेप दे दिया, और इसको इस दूसरे वाले पीस पे रखेंगे, और इसमें भी हम इसी तरीके से जो शेप है वो लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों में हमारी ये शेप इस तरीके से आ चुकी है, यानी कि हमें राउंड शेप देना है ऊपर से दोनों साइडों में। अब यहाँ हमने जो निशान लगाया है मिडिल का, ऐसे ही नीचे वाली साइड में हमें मिडिल का निशान लगाना है, जो हमारा नीचे का जो बेस है उस पर। और एक पट्टी लेनी है, और इस पर भी हमें इस तरीके से मिडिल का यहाँ निशान लगाना है डबल फोल्ड करते हुए। ये हमने निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद में हमें इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। ये पीछे वाला साइड है यानी कि बैक साइड में हमें इस पट्टी को इस तरीके से अटैच करना है, यानी कि पिनअप कर दिया। पिनअप करने के बाद में यहाँ पूरे पीस को हम इस तरीके से पिनअप करते जाएंगे, और दोनों पीसों को हमें इसी तरीके से तैयार करना है। और ये देखिए यहाँ गोलाई थी जो, उसे इस तरीके से हमें पिनअप करते जाना है, और जो पाइपिंग है वहाँ तक हमने पिनअप कर दिया। अब दूसरी वाली साइड से भी हम इस तरीके से पिनअप करते जाएंगे, और जो पाइपिंग है इसके ऊपर से हम इस तरीके से लाते जाएंगे, और यहाँ भी हमने पिनअप कर दिया, और जो यहाँ दूसरी वाली साइड में ये पाइपिंग है वहाँ तक हमें इसे पिनअप करना है अच्छे से। ये देखिए हमने पिनअप कर दिया। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ पूरे पीस पर हमें लगानी है सिलाई, तो इसके साइड साइड में हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये पीस बनता है, और ये सिलाई लगा ली हमने, और इसे करते हैं अब सीधा। और ये देखिए हमारा सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम ये जो बूट होते हैं उस टाइप का लगता है। और यहाँ अब जो ये पीस यहाँ आगे से खुला हुआ है, तो यहाँ आप बटन वगैरह शो बटन होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं केवल यहाँ सुई धागे से इसे टक करने वाली हूँ। तो बस आपको टक करना है जिससे कि ये पूरा एकदम खुलेगा नहीं और यहाँ से बंद हो जाएगा। तो जैसे ये पीस हमने तैयार किया है ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो दूसरा वाला पीस है वो भी मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ मैंने कर लिया है इसे टक। तो दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ। तो इस पैर में मैंने सॉक्स नहीं पहना है, और ये देखिए बहुत ईजिली हमारे पैर में एकदम फिट हो जाता है, और सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपके पास जो भी गर्म वेस्ट कपड़े हैं उनका यूज़ कीजिएगा। और दूसरे वाले पैर में मैंने पहना हुआ है सॉक्स, और देखिए उस पर भी बहुत ईजिली ये एकदम फिट हो जाता है। और जैसे ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो आप सॉक्स के ऊपर इन्हें पहन सकते हैं। वैसे तो अब सर्दियां जाने ही वाली हैं, लेकिन अब हम गर्म कपड़ों को रखेंगे, तो उसमें से हम जो वेस्ट कपड़े होते हैं उन्हें हटाकर रख देते हैं, या तो उनका पोंछा बना लेते हैं या कुछ और काम में यूज़ कर लेते हैं। तो अगली सर्दियों के लिए आप तैयारी करके रख सकते हैं इस तरीके से। जो सॉक्स हैं वो फटे पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं और फटे पुराने जो स्वेटर वगैरह होते हैं उससे आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। और आज के 4 आइडिया में से आपको सबसे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।